तो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है शहजाद ट्रेवल्स व्लॉग में। तो गाइस, कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी अच्छे हैं। तो अभी बज रहे हैं, कितना बज रहे हैं, 7:30 शाम के। 7:30 मैंने अभी ब्लॉग स्टार्ट की। आज मैं क्लास नहीं गई कि थोड़ा मेरी बैक हड्डी में सूजन आ गई थी, तो थोड़ा कैसे तकलीफ दे रहा है मुझे, सो इस वजह से मैं नहीं गई। आया फिर तो अभी आज मैं सोची कि मैं घर में वाला जम्मी एक नई रेसिपी भी देने जा रहे हैं, तो आज मैं अम्मी की हेल्प भी करूँगी, मतलब थोड़ा जो भी रहेगा काटना कूटना। तो आज अम्मी आपको एक नई रेसिपी दे रहे हैं, वो अम्मी आगे बताएगी आप लोगों को, अम्मी खुद ही बता देंगे कि वो क्या रेसिपी दे रहे हैं। माहिर, अरे पाप रे, देखो उसको, अरे पाप रे, सलाम करो माहिर, इसके ऊपर मत चढ़। अरे बाप रे, आइए ये महीना आई, सलाम करो। तुझे सलाम करने बोलते, अच्छा लालेकुम नहीं, बस बस बस, कितना जोर जोर से मार रहा है, बस हो गया। तो यहाँ कट रहे कांदे बटाटे, लाओ काटू, मेरी मम्मी का बेचारे का हाथ भी कट गया है। लाओ मैं काट देती, कल चाकू लग गई थी ना इधर, तो ये सब गलत हो रहा है, लाओ मैं काट देती। ए बस करो रे, कितना चिल्लाते तुम लोग, अरे गिर जाएगी, गिर जाएंगे दोनों गिरे। अम्मी क्या बना रहे? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? और मैं आज बनाने जा रही हूँ मटन कोरमे का सालन। मटन कोरमा बनाने जा रही हूँ, जैसे होटलों में बनता है ना कोरमा, कोरमा मटन कोरमा चिकन कोरमा है ना, तो बनाने जा रही हूँ जैसा मैं बनाती हूँ मटन कोरमा। सब लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं, किसी का अलग तरीका होता है, किसी का अलग होता है, तो मेरा तरीका अलग है कोरमे का सालन का। तो आइए आपको दिखाती हूँ मेरे कोरमे के सालन में क्या क्या लगेगा। ये मैंने 4 गड्डी कांदा ली हूँ, कांदे को ऐसा बारीक पतला पतला काट ली, लंबा लंबा काटना है। ये हमारे सूखे मसाले हैं, ये धनिया पाउडर है, ये मैंने 2 चम्मच ली हूँ, ये मटन का मसाला है आधा पैकेट ली हूँ, गरम मसाला आधा चम्मच लेना है, हल्दी पाउडर आधा चम्मच लेना है, मिर्ची पाउडर मैंने 1 चम्मच भर के ली हूँ, ये कश्मीरी लाल मिर्ची है, कलर की मिर्ची है, ये तीखी नहीं होती है, इसमें सिर्फ कलर आता है, ये भी लेना है आधा चम्मच, और ये नमक अपने टेस्ट के हिसाब से लेना है। ये हमारे सूखे मसाले हैं, सूखे मसाले गर्म मसाले हमारे, दालचीनी है मैंने 2 टुकड़ा ली हूँ, ये लौंग है 4-5, इलायची हरी इलायची, ये 7 जीरा है थोड़ा सा, 3 तेज पत्ते है, 1 फूल लेना है, 1 काली मिरी लेना है, ये 10-12 होगी काली मिरी ये लेना है। ये मैंने 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ली हूँ, आधा कटोरी दही है, और ये मैंने 4 बटाटा ली, बटाटे को ऐसा काट ली हूँ बीच में से, एक में से 2 टुकड़ा की हूँ। ये मैंने 1/2 किलो मटन ली हूँ, मटन को धो के अच्छे से मैंने साफ करके रखी हूँ। ये कस्तूरी मेथी बोलते हैं वो है, थोड़ी सी मैंने वो भी ली हूँ कस्तूरी मेथी, इसको हम लोग बाद में बताएंगे। मैंने गरम करने रखे हैं, तेल थोड़ा ज़्यादा ही लेना है, ये 200 ग्राम के ऊपर तेल ली हूँ मैंने। या पहले हम कांदा फ्राई करके निकाल लेते हैं, कांदे को फ्राई करके निकालने का इसको। ये कांदा मैंने फ्राई करके ले ली हूँ तेल में, ये 4 गड्डी कांदा मैंने तली थी तो थोड़ा सा हो गया था, तो मैंने 1 गड्डी कांदा और काट ली बगाड़ने के लिए, 1 गड्डी कांदा और लेना है। और अब हम आलू को फ्राई कर लेते हैं तेल में, वही तेल में जो तेल से हम कांदा फ्राई करके निकाले ना तल के, अभी आलू को भी कर लेते हैं, तो लाल करके निकालना है, हल्का सा लाल करना है ना, जब तक हम अपने मटन के अंदर मसाला लगा लेते हैं, इसमें जो हमारे मसाले थे इसको सब मिक्स करके रख लेते हैं। सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट ले लेते हैं, पूरा अदरक लहसुन लेना है, ये हमारे मसाले ना जो भी पूरे सूख के ये भी इसमें ऐड कर देंगे, पूरे सूख के मसाले हमारे इसमें हो जाएंगे। ये दही भी हमारे इसमें ऐड कर देंगे, दही लिए ना हमने ये भी डाल देंगे पूरा। इसमें टमाटर वमाटर नहीं पड़ता है क्योंकि इसमें दही रहता है ना, तो इसमें टमाटर की ज़रूरत नहीं रहती है, इसमें टमाटर नहीं डालने का रहता है, मैं दही डालूँगी तो खट्टा हो जाएगा वैसे ही। तो पूरा अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसको,
मिला के पूरा मसाला मटन में लगा लेते। देखिए मैंने पूरा मसाला मटन में लगा ली हूँ। अब इसको हम 10 से 15 मिनट तक इसको ढक के साइड में रख देंगे। इसको 15 मिनट तक रख देंगे। देखिए आलू भी हमारा फ्राई हो रहा है, इसे ज़्यादा नहीं फ्राई करना, हल्का सा। देखिए आलू हमारे फ्राई हो गए हैं, इसी तरीके से निकालना है तल के, ज़्यादा नहीं तलना, हल्का सा ऐसे ही तल के इसको निकाल लेते हैं पूरा आलू को। निकाले थे ना इसको, इसको भी पीस लेना है, मिक्सर में बारीक कर लेना है उसको। अब हम कुकर में जो हमारे सूखे हुए तेल में हम यूज करेंगे, ये तेल अच्छा ही है ना, तो हम ये तेल इसमें हम सूखे मसाले पूरे ऐड कर देंगे। सूखे मसाले पूरे डालने के बाद थोड़ा सा उसको चला लेते थोड़ा सा। कांदा भी इसमें ऐड कर देते हैं। कांदे को भी ज़्यादा तो मतलब लाल नहीं करना, तो खाली गला के लेते हैं, तो उसे 3 मिनट इसको गला लेते हैं। तब तक ये पीस लेते हैं कांदे को। ये कांदा हमारा हल्का सा लाल हो गया है, थोड़ा सा गला के लिए, एकदम नहीं गलाना है। जो हमारे मसाले लगा के रखे थे ना मटन में, हम इसको भी इसमें ऐड कर देंगे पूरा। इसमें ऐड कर देंगे मसाले का, ये पूरा मटन मैंने इसमें मसाले को लगा के रखी थी, पूरा ऐड कर दी। और उसको अच्छे से 2 मिनट तक भून लेते हैं, 2 मिनट तक अच्छे से पकने देते हैं, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट इसको पकाना है बस। कढ़ाई का पानी है ना वो सूख जाना चाहिए अच्छे से, अभी इसमें पानी काफ़ी निकलेगा तो उसको सुखा लेते पानी। जैसे 2 से 3 मिनट मैंने अच्छे से इसको भून के ले ली हूँ, इसमें देखो दही का पानी भी काफ़ी छूट गया है ना। अभी इसको हम थोड़ा सा ये पानी और डालेंगे, इसमें जब मसाला लगा के रखे थे ना पूरा पानी इसमें डाल देंगे, और थोड़ा 1 गिलास पानी और डालेंगे ताकि मटन हमारा अच्छे से गल जाए। वो तो मस्त आ रही भाई। हाँ बहुत मस्त। अब इसको हम सीटी लगा लेते हैं, हम इसको 5 सीटी लगा देते, 5 से 6 सीटी लगा लेते ताकि हमारा मटन अच्छे से गल जाए। देखिए जैसे कि मैंने 6 सीटी ले ली हूँ, आइए देखते हैं ना 6 सीटी। खुशबू अच्छी आ रही है मुस्कान? हाँ मुस्कान को खुशबू आ रही है, नील भी आ। दूसरे बर्तन में हम इसको पलटा लेते हैं, क्योंकि गोश्त गलाना था इसे हम कुकर में बनाए हैं, अब इसको आराम से हम दूसरे बर्तन में डाल लेते हैं गोश्त, है ना। अब इसको भी हम थोड़ा सा पानी डाल के धो देंगे, इसमें ऐड करेंगे। अब इसमें हम जो कांदा पीस के रखे थे ना वो कांदा भी ऐड कर देंगे, और अच्छे से 2 मिनट तक इसको पकने देंगे। हम आलू भी डाल देंगे इसमें, जो आलू हम फ्राई करके रखे थे ना, ये आलू भी साथ ही साथ इसमें डालेंगे ताकि हमारे आलू भी पक जाए, ज़्यादा नहीं 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से भुनेंगे। जितना हम अच्छे से भुनेंगे ना तरी हमारी निकलेगी अच्छे से, तो हमारा सालन उतना ही अच्छा बनेगा, मस्त बनेगा। हमने सब ऐड कर दिया, अब इसको 3 मिनट तक हम इसको पकने देते हैं ताकि हमारा कांदा वंदा अच्छे से इसमें पक जाए, है ना, आलू भी गल जाए। देखिए 3 मिनट हमारा हो गया है, पटाटा डाल के देखते हैं गल गया क्या। मसाला भी देखिए अच्छा भुना गया है ना मस्त में, तेल अच्छी तरी अच्छी निकल रही तेरी की तेल की। मटन भी गल गया हमारा, देख लेते हैं मटन गल गया क्या। थोड़ा सा पानी डाल के उसके ऊपर ठंडा हो जाएगा जाके, ये देख लेती हूँ। हाँ देखिए मटन भी हमारा अच्छे से गल गया है, आलू भी गल गया है। अब इसमें हम ये हरी मिर्ची, 4 हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। चार हरी मिर्ची हमने ऐड कर दिए हैं, ये थोड़ी सी कस्तूरी मेथी बोलते ना, थोड़ी सी कस्तूरी मेथी है, हल्का सा कस्तूरी मेथी को ऐसा ऐसा करके डालना है, क्रश करके ऐसा बस। थोड़ा सा पानी डाल देंगे हम, जितना आपको पतला लगेगा उतना, मैं 1 गिलास डाल रही हूँ, आप लोग को जितना चाहिए उतना डालना है ना।
क्योंकि खुरमे का सालन ज़्यादा पतला अच्छा नहीं लगता है, इतना ही गाढ़ा थोड़ा अच्छा लगता है। इसके लिए हम ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करेंगे। अगर नमक कम रहेगा तो आप चख के वापस थोड़ा सा डाल सकते हैं, तब उसमें हम कोथमीर ऐड कर देते हैं। माशाल्लाह हमारा कितना अच्छा सालन बना है, मटन खुरमा। आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में बताना कि मेरा मटन खुरमे का सालन आपको कैसा लगा। लाइक शेयर कमेंट में ज़रूर बताना, घंटा बटन तो ज़रूर दबाइए मेरी रेसिपी के लिए। मेरा मटन खुरमे का सालन बन के हो गया है तैयार, देखिए। Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you are rearrived.